नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे कार्य करने के लिए समय पहले से ही तय होता है और उसी समय में हमारे कार्य को किया जाता है, लेकिन कभी कभी आपने सुना भी होगा कि पंचक के दिनों में आपको कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। अक्सर देखा भी जाता है कि पंचक के दिनों में आप कोई भी शुभ कार्य या फिर कपड़ा तक भी नहीं खरीद सकते हैं, तो उसके लिए ऐसा क्यों होता है, ये पंचक होते क्या है, जानिए इस वीडियो के दौरान। जब भी चंद्रमा कुंभ और मीन राशि से होता हुआ गुजरता है तो वह समय आपका पंचक कहलाता है। उस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जब भी नक्षत्र पांच होते हैं वह भी पंचक ही कहलाते हैं। उन दिनों में कोई भी कार्य इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वह दिन वह समय अशुभ माना जाता है। वैसे तो पंचक भी पांच प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला पंचक होता है रोग पंचक। यदि आपका रोग पंचक चल रहा है, यानी कि वह रविवार के दिन से ही स्टार्ट होता है, तो वह सबसे ज्यादा आपके स्वास्थ्य को खराब करता है, आपके स्वास्थ्य को, मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। तो रोग पंचक के दिनों में आप कोई भी ऐसे कार्य ना करें जिससे कि आपके जीवन में परेशानी आए। वैसे तो रोग पंचक की पहचान रविवार के दिन से ही की जाती है। बात करते हैं निरीक पंचक। निरीक पंचक सोमवार के दिन से स्टार्ट होते हैं। यदि आप नौकरी पेशेवर हैं और आपका पहला दिन है तो आप उस नौकरी पर जाए ना, क्योंकि ज्वाइन करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है या फिर अशुभ भी माना जा सकता है। यदि आपकी सरकारी नौकरी है या सरकारी नौकरी आपके सोमवार से ही ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके लिए शुभ माना जाता है। तो ये नौकरी पेशेवर लोगों के लिए ज्यादा जरूरत होती है। नंबर तीन, चोर पंचक। यदि चोर पंचक लगा हुआ है वह आपके शुक्रवार के दिन से ही स्टार्टेड होते हैं। यदि आप उस दिनों में कोई यात्रा करने की सोच रहे हैं या फिर यात्रा जाने के लिए तैयार हैं तो आप उसे भूल जाएंगे, क्योंकि आप यदि यात्रा करते हैं तो आपको जीवन में परेशानियां हो सकती है या फिर यात्रा के दौरान पर आपका कोई भी हादसा हो सकता है। नंबर चार, मृत्यु पंचक। यदि आपका मृत्यु पंचक चल रहा है तो वह आपका शनिवार से स्टार्टेड होते हैं। शनिवार के दिन पर यदि आप किसी के यहाँ विवाह के प्रस्ताव को लेकर जा रहे हैं या फिर विवाह के योग्य के स्थान पर ही आप कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो आप उस दिन ना करें तो बेटर है, क्योंकि वह आपकी शादी में बाधाएं लेकर आएगा। हो सकता है कि आपकी वह शादी टूट ही जाए। नंबर पांच, अग्नि पंचक। यदि आपका अग्नि पंचक लगा हुआ है तो उस समय में भी आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि अग्नि पंचक में यदि आप अपने स्थान को कहीं और बदल रहे हैं या फिर घर के स्थान को कहीं चेंजअप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको परेशानी हो सकती है। पंचक में बहुत सारे काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जैसे कि चारपाई हो गई या फिर बेड हो गया, आपको ये चीजें नहीं बनानी है। यदि पंचक के समय पे कोई मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात, यानी कि जब उसे उसका देहांत हो जाता है और उसके देहांत के पंचांग भी कराने पड़ते हैं यदि पंचक में उसकी डेथ होती है, क्योंकि उससे भी आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। यदि आपके पंचक में कोई भी शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही भूल जाइए, यात्रा करना भी आपके लिए शुभ नहीं माना जा सकता है। तो ये है कि पंचक में हमें कार्य क्यों नहीं करने चाहिए। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत।